नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सजान, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल सर्वोदय नगर कानपुर। अपनी वीडियो सीरीज में हम आज ब्रेन स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? जैसे दिल का दौरा पड़ता है जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, वैसे ही ब्रेन को दौरा पड़ता है जिसे हम ब्रेन अटैक कहते हैं। उसी को मेडिकल लैंग्वेज में स्ट्रोक कहा गया है। स्ट्रोक कितने प्रकार का होता है? स्ट्रोक को तीन प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है इश्केमिक स्ट्रोक, यानी दिमाग में खून का बहाव बंद हो जाना। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी दिमाग में खून की नस का फट जाना, ब्रेन हेमरेज हो जाना। तीसरा होता है ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, यानी कुछ सेकेंड्स के लिए दिमाग के बहुत छोटे हिस्से में खून की सप्लाई ना होना और फिर खून की सप्लाई बहाल हो जाना, जिसमें मरीज को 2 या 4 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए अचानक से नींद, बेहोशी या हाथ पैरों में कंपन, झंझनाहट आना। स्ट्रोक को मोटे मोटे तौर पे इन तीन भागों में बांटा गया है। हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे विस्तार से। इश्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? इश्केमिक स्ट्रोक जो है वो स्ट्रोक का मुख्य कारण है। 85% यानी 85% स्ट्रोक जो होते हैं वो इश्केमिक स्ट्रोक पाए गए हैं, जो मुख्यतः दो कारणों से आते हैं। या तो दिमाग की कोई नस पतली हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीजों में अत्यधिक देखा गया है। इसको थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहते हैं। या दिल के मरीजों में दिल से निकला हुआ क्लॉट जो दिमाग की किसी छोटी नस में जाके फंस जाता है, उसकी वजह से उस हिस्से का ब्लड का सप्लाई बंद हो जाता है, खून का बहाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। दूसरा तरह का स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक सबसे ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में देखा गया है। आजकल ठंड का मौसम आ रहा है, ये स्ट्रोक सीजन कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा साल भर में स्ट्रोक के केसेस इसी सीजन में देखने को पाए जाते हैं, जिसके मुख्य कारण अत्यधिक ठंड होना, ठंड से बचाव ना करना, ब्लड प्रेशर के दवाओं का सेवन सही समय पर ना करना, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये देखा गया है। हेमरेजिक स्ट्रोक जो होता है उसमें मरीज के ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है, जिसका मुख्य कारण देखा गया है कि वो अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं समय से नहीं लेता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है। दिमाग की नाजुक नसें उतना ब्लड प्रेशर नहीं झेल पाती हैं और वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है। मरीज को लकवा, फालिश या बेहोशी की स्थिति में हॉस्पिटल आना पड़ता है। तीसरा है ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक। ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक एक माइनर स्ट्रोक होता है, जो कि ये बताता है कि अगले एक साल में आपको कभी भी बड़ा स्ट्रोक या इश्केमिक स्ट्रोक आने की संभावनाएं होती हैं। स्ट्रोक के क्या लक्षण होते हैं? स्ट्रोक चाहे वो इश्केमिक वैरायटी का हो या हेमरेजिक वैरायटी का, उसके लक्षणों में सिर दर्द, उल्टी, शरीर के किसी अंग का झंझनाहट, सुन्नपन, लकवा आना, अचानक से मुंह टेढ़ा होना या सुनने में, दिखाई देने में परेशानी आना, जबान का लड़खड़ाना, ये सारे स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक यानी माइनर स्ट्रोक में मरीज का एक हाथ या पैर झंझनाहट या कुछ समय के लिए सुन्न हो जाता है, या मरीज कई बार बेहोश होकर गिर जाता है, 2-4 मिनट में उसे होश आ जाता है, वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। स्ट्रोक के लक्षणों की शुरुआत के 4.5 घंटे के अंदर यदि मरीज हॉस्पिटल आ जाता है तो उसको जांच करके हम देख के थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी इंजेक्शन द्वारा गला के दिमाग में होने वाले डैमेज को पूर्णतः रोका जा सकता है, और ऐसे केसेस में नियर 100% रिकवरी पॉसिबल है। यदि 6 घंटे का समय बीत जाता है तो भी हम आजकल थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स 4.5 घंटे की
बनस्पत थोड़े से कम हैं। इसके बाद अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो रिजल्ट्स उतने प्रॉमिसिंग नहीं हैं, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी इफेक्टिव नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमारे पास और ऑप्शंस हैं। यदि हमारे पास मरीज सही समय पे आ जाए तो हम उसका MRI या डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी यानी ब्रेन की एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको थ्रोम्बोलिसिस यानी क्लॉट को गलाना या फिर एंडोवैस्कुलर टेक्निक से भी हम क्लॉट रिट्रीवल यानी मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हम रीजेंसी हॉस्पिटल में स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक के लिए सेम जांचें, इमीडिएटली दिमाग में प्रेशर कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। यदि स्ट्रोक जो क्लॉट है दिमाग का वो ज़्यादा है और दिमाग के नाजुक हिस्सों में अत्यधिक प्रेशर दबाव डाल रहा है तो उसको ऑपरेट करके निकाला जाता है। जो भी मरीज शुगर और हाइपरटेंशन के हैं उन्हें समय से दवाएं लेनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, रूटीन उनका अच्छा होना चाहिए, व्यायाम और योगा करना चाहिए, खाने पीने में तेल मसाला घी चिकनाई की चीज़ें कम लें, नमक का कम प्रयोग करें। ठंड के मौसम में हमें बहुत सारी सावधानियां देने की ज़रूरत है। बुज़ुर्ग लोग अचानक गर्म से ठंडे मौसम में ना जाएं, जिससे दिमाग की नसें सिकुड़ सकती हैं। अचानक सुबह ठंडे पानी से ना नहाएं, यदि नहाना भी है तो ठंडा पानी सिर में ना डालें जिससे सिर की नसें सिकुड़ सकती हैं। स्ट्रोक में हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान देनी है वो है समय। समय व्यर्थ करने में ही सबसे ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं और मरीज़ परमानेंट डिजेबिलिटी यानी पूर्णतः रूप से लकवाग्रसित हो सकता है। हमेशा फास्ट को याद रखना है। फास्ट यानी F यानी फेशियल वीकनेस, चेहरे में टेढ़ापन या चेहरे का लकवा आना। A यानी आर्म वीकनेस यानी किसी हाथ में झंझनाहट या हाथ का लकवा आना। S यानी स्लरिंग ऑफ स्पीच यानी बोलने में लड़खड़ाहट आना। टी यानी टाइम, फास्ट इज टाइम, ये याद रखेंगे। फास्ट एक्ट करना है, फास्ट याद रखना है, फास्ट हॉस्पिटल आना है। हमेशा ऐसे हॉस्पिटल आना है यदि आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी लक्षण आ रहे हैं तो हमेशा ऐसे हॉस्पिटल आना है जहां पर तुरंत MRI की व्यवस्था, न्यूरो के डॉक्टर की व्यवस्था उपलब्ध हो ताकि वो आपको तुरंत इवैल्यूएट कर सके। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत एक्ट करके आपको अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट कर सके। अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल जाते हैं जहां ये व्यवस्थाएं नहीं हैं तो आपका समय व्यर्थ होता है और वो 4.5 से 6 घंटे का विंडो पीरियड चला जाता है। इसके बाद कुछ चीज़ें दिमाग के हमेशा के लिए डैमेज हो जाती हैं जो कभी परमानेंटली ठीक नहीं हो सकती, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। कानपुर में रीजेंसी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहां ये सारी फैसिलिटीज 24/7 अवेलेबल हैं। हमारे पास एक अच्छा कैथ लैब है जहां एंडोवैस्कुलर न्यूरो इंटरवेंशन स्टार्ट हो रहा है। हमारे पास बढ़िया मॉड्यूलर OTs हैं जहां हम स्ट्रोक की प्रॉपर सर्जरीज कर सकते हैं, न्यूरो इंटरवेंशन कर सकते हैं। 24/7 न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। तो कृपया करके अपने मरीज को हमारे साथ संपर्क कराएं यदि आपको ऐसा स्ट्रोक का कोई भी लक्षण दिखाई देता है। धन्यवाद।